बसपा में थे, 4 बार सरकार थी, 4 बार की सरकार में ये बात याद नहीं आई। फिर जब बसपा की सरकार जाते हुए उन्होंने देखा तो रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। जिस ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं उसी ग्रंथ के वे माला फूल चढ़ाने चले गए और उसी ग्रंथ के सहारे अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। अब आप चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या केशव प्रसाद मौर्य, अगर ओपी राजभर के हत्थे चढ़ गए हैं तो आपको खरी खोटी तो सुननी होगी। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर इस वक्त नहा धोकर खा पीकर स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे पड़ गए हैं। जहां जा रहे हैं वहां नए नए एंगल से स्वामी को धुआंधार सुना रहे हैं। ऐसे में बस्ती में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे ओपी राजभर ने कहा, यही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो बसपा से निकलकर रामम शरणम गच्छामि हो गए थे, और जब वहां गए तो उन्होंने 5 साल बिना नानुकुर किए रामचरितमानस पर फूलमाला भी चढ़ाई और यही करके खुद मंत्री बन गए और बेटी को सांसद बनवा दिया। जरा आप भी राजभर की जुबानी स्वामी की ये वाली कहानी तो सुनिए। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ज्ञान चर्चा में रामचरितमानस, उसका आपका क्या कहना है? देखिए, अब वो बसपा में थे, 4 बार सरकार थी, 4 बार की सरकार में ये बात याद नहीं आई। फिर जब बसपा की सरकार जाते हुए उन्होंने देखा तो रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। जिस ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं उसी ग्रंथ के वे माला फूल चढ़ाने चले गए और उसी ग्रंथ के सहारे अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। 5 साल रहे बेचारे, अब 5 साल में कभी उन्होंने माला फूल चढ़ाने से इनकार नहीं किया, उस ग्रंथ पे माला फूल चढ़ाया और जपते रहे और फिर दाव लगाए कि अब सपा की सरकार बनेगी। और वहां जाते ही सरकार नहीं बनी तो लंबे समय तक चर्चा में नहीं आए, तो इन्होंने सोचा कि चलो क्या बात है। राजभर इस वक्त लगातार बीजेपी लीनिंग की ओर नजर आ रहे हैं, ऐसे में स्वामी विरोध स्वाभाविक लगता है। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।